सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। तो किन लोगों को मिलेंगे टैबलेट या स्मार्टफोन, इस बात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं दैनिक जागरण की खबर है और ये रिपोर्ट दोस्तों अभी से 2 घंटे पहले की है। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। 19 अगस्त की ये अपडेट है दोस्तों। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र के अंतिम अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन देखिए, अब वो किन लोगों को मिलने वाला है, पूरी बातों को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। साथ में चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी सरकार ने ना सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि चुनावी गणित में भी साधा मानसून यानी कि सीधे मानसून सत्र का अंतिम अनुपूरक बजट पर चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी है और उन्होंने घोषणा किया है कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को 3 परीक्षाओं का भत्ता दिया जाएगा, तो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बड़े बड़े कई सारे अनुपूरक बजट में योजना पेश किए गए हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि किनको इस योजनाओं का लाभ मिलता है। विधानसभा में सत्र में बुधवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में गुरुवार को चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इसे चुनावी और निरर्थक बताया। वहीं पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चर्चा शुरू किया तो समझा दिया कि इस बजट का क्या गुण है, क्या भाग है। नौजवानों की बड़ी आबादी को सरकार चुनाव से पहले तोहफा देने जा रही है। कंडीशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ बताएंगे भाई, बस वीडियो के साथ बने रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 3000 करोड़ की निधि बनाई है, इसमें से 1000 करोड़ नौजवानों को टैबलेट्स या स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके पात्र होंगे स्नातक, परास्नातक, तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र। उन्हें जरूरत है उसके अनुसार डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त में मिलेगी। साथ में यह घोषणा है कि युवाओं के लिए ही है। योगी ने कहा कि कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR फंड अन्य वित्तीय संस्थाओं में विश्वविद्यालय के सहयोग से 3000 करोड़ रुपए का विशेष कोष गठित किया गया है। उसमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को 3 जो परीक्षाएं हैं उसमें सरकार भत्ता देगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब देखने वाली बात ये आती है इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे लोगों को इसका लाभ मिलता है, सारी वीडियो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड होगी। तो फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही सब कुछ अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहें। विपक्ष पर संस्कृत विद्यालयों में बंद करने और उनसे छात्रों में प्रवेश ना होने पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी ने संस्कृत विद्यालयों को शिक्षक भर्ती मानदेय पर करने के लिए जिलों में विद्यालय प्रबंधकों की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी गई है। इसके अलावा संस्कृत छात्रों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। तो ये सब बातें हुई। साथ में आपको फ्री अगर टैबलेट या स्मार्टफोन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। अगली वीडियो में हम पूरी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि बातों को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।